हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी के इस सेशन में हम 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों से प्रश्न सम्मिलित हैं। आज के प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आप लोगों ने 40 में से 25 भी सही किया है तो समझिए कि आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ऑप्शन है मात्रा, शब्द, अर्थ या फिर वर्ण। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। इसका राइट आंसर बी है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 13, 10, 11 या फिर 12। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। इसका राइट आंसर सी है, अ आ ई ई उ उ री ए ए ओ और अ। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है, स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन है कंठ तालव्य, बी है दंतोष्ठ, सी है ओष्ठ, डी है कंठोष्ठ। तो ए और ए का उच्चारण स्थान बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ए है। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ ताल से होता है। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ से होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन है छ, त्र, ज्ञ और स्र। बी है स, 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 ह। सी है च, छ, ज, झ। डी है य, र, ल और व। तो आप लोगों को ऊष्म व्यंजन बताना है। तो इसका राइट आंसर बी है, स, स, स और ह ऊष्म व्यंजन है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी एग्जाम में वर्णमाला से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप लोग इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में इनका उच्चारण स्थान भी पूछा जाता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। इस स का उच्चारण स्थान जो होता है तालु से होता है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और इस स का उच्चारण स्थान दंत होता है और इस स का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है या फिर मूर्धन्य। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और ह का उच्चारण स्थान पूछे तो कंठ होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ह को काकल्य वर्ण भी कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, फ का उच्चारण स्थान है मूर्धा, ओष्ठ, दंत या फिर कंठ। तो फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। प वर्ग के सभी वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, प, फ, ब, भ और म। चलिए अगला प्रश्न है, उपसर्ग वह शब्दांश है शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। बी है किसी शब्द के आगे जुड़ता है, सी है किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, डी है किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है। तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। तो इसका राइट आंसर बी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, परा उपसर्ग का अर्थ है। ऑप्शन है बाहर, भीतर, उल्टा या फिर आसपास। तो परा उपसर्ग का अर्थ होता है उल्टा। इसका राइट आंसर सी है। आप लोगों की हिंदी की क्लास कई दिनों के बाद हो रही है, तो क्लास को शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो इसका राइट आंसर जो है
ए होगा राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो राज्यपाल से जितने भी राज्यपाल होते हैं सभी का बोध हो रहा है, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। अगर कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है, समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक। तो आपको बताना है कि बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर बी है, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या भाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। ऑप्शन है कविजन, कविगण, कविवृंद या फिर कविवर्ग। तो इसका राइट आंसर सी है, कवि का बहुवचन कविवृंद होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाइएगा और इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन है गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या फिर परिमाणवाचक। तो नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है, इसका राइट आंसर ए है। साड़ी कैसी है, तो साड़ी नीली है। नीली क्या है, साड़ी की विशेषता है। तो जो विशेषता मतलब गुण होता है वही गुणवाचक विशेषण होता है। अगर क्वेश्चन ना समझ में आ जाओ आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को फिर से समझाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, इसिता गीत गाएगी, यह वाक्य किस काल का सूचक है। ऑप्शन है वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, भविष्य काल या फिर भूतकाल। इसिता गीत गाएगी, इस क्रिया से यह पता चल रहा है कि कार्य आने वाले समय में होगा, तो यहाँ पर भविष्यकाल है। इसका राइट आंसर सी है, भविष्यकाल में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होने वाला है तो उसे भविष्यकाल कहते हैं। इसिता गीत गाएगी, तो इससे पता चल रहा है कि आने वाले समय में गाएगी, तो इसका राइट आंसर सी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ, यह किस प्रकार का वाक्य है। निषेध वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ, यह मिश्र वाक्य है। इसका राइट आंसर डी है, जहाँ पर भी कि, जब, तब, जैसा, वैसा, कि ये शब्द आते हैं वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आग को पचाने वाली अग्नि है। ऑप्शन है दावानल, जठराग्नि, बड़वाग्नि या फिर दावाग्नि। तो आग को पचाने वाली अग्नि जो होती है जठराग्नि है, इसका राइट आंसर बी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाइएगा, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वन की आग को क्या कहते हैं, तो वन की आग को दावानल कहते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा वन की आग। अगर समुद्र के भीतर की आग पूछे कि समुद्र के भीतर की आग को क्या कहते हैं, तो बड़वाग्नि कहते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को यहाँ से 3 क्वेश्चन मिले हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा और साथ ही क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है मक्खी चूस, मित व्ययी, कंजूस या फिर लोभी। तो जो कम खर्च करता है उसके लिए एक शब्द होता है मित व्ययी, इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है आश्रमवासी, अंतेवासी, छात्रावासी या फिर गुरुकुलवासी।
तो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द है अंतेवासी। इसका राइट आंसर बी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर आज आप लोगों ने 25 प्रश्न भी सही किया तो समझिए कि आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ है। ऑप्शन है चैन से जिंदगी काटना, बी है अपनी ही बड़ाई करते रहना, सी है झूठी बातें उड़ाना, डी है व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना। तो मल्हार अलापना मुहावरे का अर्थ होता है चैन से जिंदगी काटना। इसका राइट आंसर ए है। चलिए अगला प्रश्न है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन है जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना, बी है संक्षेप में विस्तृत बात कह देना, सी है गंगा व जमुना की यात्रा करना, डी है दास प्रथा के लिए प्रतिबद्धता। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है कि जो भी व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना और जाते ही पीठ पीछे बुराई शुरू कर देना। तो इसका राइट आंसर ए है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है, कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है अच्छा लिखना, सही लिखना, ज़्यादा लिखना या फिर बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। तो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है अच्छा लिखना। इसका राइट आंसर ए है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन है दोगुना लाभ होना, बुरी तरह धोखा खाना, सी है मुश्किल में पड़ना, डी है मौत की जगह होना। यहाँ पर मौत नहीं होगा, मौज होगा, मौज की जगह। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। तो इंद्र का अखाड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है मौज की जगह होना। इसका राइट आंसर डी है। चलिए अगला प्रश्न है, रसोई घर में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद समास या फिर तत्पुरुष समास। रसोई घर में तत्पुरुष समास है। इसका राइट आंसर डी है। तत्पुरुष समास में प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष से होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। अव्ययी भाव समास में पहला शब्द जो होता है उपसर्ग लगा हुआ रहता है, ये इसकी ट्रिक है, आप लोग पहचानिएगा। समास का एक क्लास है जिसका आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा कि आप लोग देखकर तुरंत बता लेंगे कि इसमें कौन सा समास है, तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। द्वंद समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, तिरंगा में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो तिरंगा में द्विगु समास है। इसका राइट आंसर ए है, क्योंकि यहाँ पर पहला पद जो है संख्यावाची है। चलिए अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन है विभीषण, विरहणी, जगद्गुरु या फिर गृहणी। यहाँ पर आप लोगों को अशुद्ध बताना है, तो इसका राइट आंसर बी है, क्योंकि विरहिणी होता है, विरहिणी ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है, तो यहाँ पर अशुद्ध पूछा है, तो इसका राइट आंसर बी है। चलिए अगला प्रश्न है, संधि का विलोम है। ऑप्शन है संचय, विभेद, विग्रह या फिर विरत। तो संधि का विलोम जो होता है विग्रह होता है, इसका राइट आंसर सी है। अगर समास का विलोम पूछे, सॉरी समास का विलोम जो होता है व्यास होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची है। ऑप्शन है वृंद, मीन, विहग या फिर भूधर। तो पक्षी का पर्यायवाची जो है विहग है, इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, जीव का पर्याय है। ऑप्शन है ध्वनि, जीव, रसना या फिर वचन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसका राइट आंसर जो है सी है, जीभ का पर्याय रसना है। इसके साथ ही रसज्ञा, रसज्ञा, रसिका, वाचा, ये भी इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है गंगा का एक नाम है सुरसर, हंससुता, विष्णुपदी या फिर धेनुमती। कुछ शब्द का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन है कोख, अच्छ, आंत या फिर कच्छ। तो कुछ का तद्भव रूप जो होता है कोख है, इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है खंडहर का तत्सम है, ऑप्शन है खंडहर, बी है खंडघर, सी है खडहर, डी है खंडगृह। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी है, खंडहर का तत्सम होता है खंडगृह। अगला प्रश्न है महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है महधन इंद्र, बी है महेधन इंद्र, सी है महीधन इंद्र, डी है महाधन इंद्र। तो महेंद्र का संधि विच्छेद जो है महाधन इंद्र होगा, इसका राइट आंसर डी है। इसमें कौन सी संधि है इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न है नरेश का सही संधि विच्छेद है, ऑप्शन है नरधन ईस, बी है नरधन ईस, सी है नरेधंस, डी है नधन रेस। तो नरेश में जो संधि विच्छेद है नरधन ईस होता है नरेश का, इसका राइट आंसर बी है। इसमें कौन सी संधि है इसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो हम बताएंगे इसका आंसर कल, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, यहाँ आप लोगों को बताना है कि अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन है गोद, संख्या, नाटक का एक भाग, डी है पृथ्वी। तो अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी है, पृथ्वी नहीं होता है। बाकी अंक का अनेकार्थी शब्द गोद भी होता है, संख्या भी है, नाटक का एक भाग भी है। अगला प्रश्न है जिसकी उपमा दी जाए उसे कहते हैं उपमेय, उपमान, धर्म या फिर वाचक। तो जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं, राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है हरिपद कोमल कमल से, इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक या फिर रूपक। तो हरिपद कोमल कमल से, इसमें जो अलंकार है उपमा अलंकार है, इसका राइट आंसर ए है। हरि का अर्थ है भगवान, भगवान के पैरों को कमल के समान बताया गया है। उपमा अलंकार जो होते हैं उसकी परिभाषा अगर आप देखेंगे तो किसी प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर अन्य अप्रस्तुत से समानता स्थापित की जाए तो उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर भगवान के पैरों को कमल के समान बताया गया है, तो इसका राइट आंसर ए है, याद रखिएगा। अगला है उर्वशी किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर जो है ए है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है। इसके लिए इनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, बी है भगवती चरण वर्मा, सी है दिनकर, डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो हिम तरंगिणी काव्य संग्रह जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी का है, इसका राइट आंसर डी है, इसका राइट आंसर डी है। और माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस की भाषा है, ऑप्शन है ब्रजभाषा, बी है अवधी,
सी है मैथिली, डी है भोजपुरी। तो रामचरितमानस की भाषा जो है अवधी भाषा है, इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन है पद, सवैया, दोहा या फिर कवित। तो बिहारी के दोहा प्रसिद्ध हैं, इसका राइट आंसर जो है सी है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या है, ऑप्शन है 33, 32, 31 या फिर 30। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या 33 है, इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, विशेषण के भेद हैं, ऑप्शन है 3, 5, 6 या फिर 4। इसका राइट आंसर जो है डी है। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 40 में से कितने प्रश्न आप लोगों के सही हुए हैं आप लोग जरूर बताइएगा ईमानदारी के साथ। अगर आप लोगों के 40 में से 25 से 26 प्रश्न भी सही हुए हैं तो समझिए आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ही अच्छा लेवल है। आज के लिए क्वेश्चन है आपका, जयद्रथ वध किसकी रचना है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, बी है महादेवी वर्मा, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी है जयशंकर प्रसाद। आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में।